राजकीय अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। गर्भवती महिला करनाल के गांव डबरकी की रहने वाली थी। आपको बता दें कि करनाल के राजकीय अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो जाने से परिजनों में शोक का माहौल व्याप्त है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। महिला के परिजनों ने कहा कि अस्पताल में ठीक से महिला की देखरेख नहीं की गई और डिलीवरी के दौरान परिजन डॉक्टर को बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। महिला की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस अवसर पर परिजनों ने चिकित्सकों पर कार्यवाही करने की मांग उठाई है। परिजनों का कहना है कि चिकित्सकों व नर्स पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। परिजनों का कहना है कि चिकित्सकों की अनदेखी महिला की मौत का कारण है। अगर चिकित्सक सही से उपचार करते तो महिला की जान बच सकती थी। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। बजे आए थे यहाँ लेके आए थे 3-4 बजे मैं तो नहीं थी, मैं अब आ रही हूँ। 7 बजे आई मेरी उस टाइम लड़की ने, इन्होंने कहा ले आए थे यहाँ, इन्होंने कहा बच्चा खत्म हो रहा है भाई, इनको यहाँ अल्ट्रासाउंड करवाओ। अल्ट्रासाउंड करवा के आए, उस टाइम ठीक थी मेरी बच्ची, बोल रही थी। फिर अंदर उन्होंने रख दिया, फिर ये गई उसकी जुठानी, उससे कह इससे कह दे थप्पड़ मारे गए तो बाहर चली जाओ, हम देख लेंगे। किसी ने नहीं देखा मेरी बच्ची तड़प दी। नर्सा ने गौर नहीं करा, 2-3 बारी करा इन्होंने, देख लो देख लो देख लो, गौर नहीं करी। क्या डिलीवरी होने वाली थी उनकी? बच्चा अंदर खत्म हो गया था, डिलीवरी नहीं होने वाली थी। अब क्या पता होने वाली थी, नहीं होने वाली। डॉक्टर आने वाला फिर देखेगा, डॉक्टर आने वाला वही देखेगा। ये कह रहे बड़ा डॉक्टर आएगा देखेगा, जब बच्चा खत्म हो गया तुम कार्रवाई करो उसकी। अंदर बच्चा खत्म हो गया, तुम कह रहे हो बच्चा खत्म हो गया, कार्रवाई तो करो उसकी। फिर अब कह रहे बता खत्म हो गया उसका बच्चा भी, तो क्या मांग करते हैं अब, क्या कार्रवाई? कार्रवाई होनी चाहिए भाई, ये गौर नहीं कर दे, किसी की नहीं गौर कर दे, गरीबों की गौर भी नहीं है यहाँ। हम गौर नहीं कर रहे, यहाँ 3 दिन रह गए, इन्होंने खोली थी बस, और जो सी नर्स था वही हाथ मारे थे, उस टाइम की मेरी बच्ची ऐसे पड़ी हुई थी, तड़प रही थी, ब्लीडिंग चल रही थी, और मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो उसको, कह रही देख रहे अभी डॉक्टर आ रहा है, देख रहे हैं। मैंने कहा एक बार देख लो उसको बीपी, देख लो, कह रहे डॉक्टर आएंगे फिर देखेंगे। जिसको बोलने जाती वो कहते डॉक्टर आने दो, अभी डॉक्टर आ रहा है, अभी डॉक्टर आ रहा है, वैसे बोल रहे थे। जब जा रहे डॉक्टर, हमने रिपोर्ट भी दिखाई, वो अल्ट्रासाउंड भी दिखाया, देखा नहीं, पागल हो रहे थे, दिखा के कह रहे डॉक्टर आगे, जब वो है नहीं थी, सारे भागे फिर देखने के लिए उसको, तो इलाज नहीं मिल रहा था समय, कुछ भी नहीं, खत्म हो गई, सारे देखे मशीनें लगाई, उस टाइम पहले लगा लेते मशीन ने, उसकी जान बच जाती, उसकी बच्चे की भी जान बच जाती, मशीन के साथ रख वो कर लेते। उन्होंने खुद पता लगा कोई नहीं, मेरी बच्चा जो उसमें यहाँ दाखिल हुई थी, उसका अल्ट्रासाउंड जो 15-20 मिनट के बाद अच्छा होगी, फिर उसकी उनके परिवार वाले को पता करेगा कि कार्रवाई क्या करवानी है, जैसे ये कई है परिवार ऐसे कार्रवाई का काम नहीं है। ये कह रहे हैं कि इलाज में लापरवाही बढ़ती है, और तो फिर पोस्टमार्टम होने के बाद पता लगा, जैसे ये चाहूँगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.